हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त रक्षित थपलियाल और आज कैंपस से मैं आपका स्वागत करता हूं सरदार दयाल सिंह कॉलेज से। सरदार दयाल सिंह मजीठिया जितने बड़े बिजनेसमैन उससे भी बड़े ह्यूमैनिटेरियन। उनके नाम से जुड़े इस कॉलेज को आपने कई बार टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में ज़रूर नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आपको ये पता था कि इस कॉलेज की रूट्स जाती हैं पार्टीशन से पहले के लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज तक भी? जी हाँ, जिसकी शुरुआत हुई थी 1910 में। तो ऐसा कैसे हो गया कि लाहौर का ये कॉलेज दिल्ली के लोधी गार्डन के पास आ गया? कैसे इस विजनरी इंसान ने सेक्युलर एजुकेशन के आइडिया को इतने बड़े तौर पर फैला दिया कि कॉलेज में आज 5000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर IS बख्शी जी से। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज हम आ गए हैं दयाल सिंह कॉलेज के कैंपस और हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम आ गए हैं कॉलेज के प्रिंसिपल सर के ऑफिस। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कॉलेज का नाम जो कि दयाल सिंह कॉलेज है वो दयाल सिंह जी के नाम से जुड़ा हुआ है और इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ा विजन है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। और कॉलेज कैसे शुरू हुआ, कैसे दिल्ली पहुंचा, उसके बारे में बताइए। जैसा आपने कहा, दयाल सिंह कॉलेज का नाम उनके फाउंडर दयाल सिंह मजीठिया जी के नाम के ऊपर है और वो एक बहुत बड़े विजनरी थे और बहुत छोटी उम्र उन्होंने ली, 1849 से 1898 तक, लेकिन एक विजन था कि एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने अपने जितने भी एसेट्स थे, उस समय बताया जाता है 30 लाख ऑफ रुपीज़ थे, वो सब उन्होंने डोनेट किए एक ट्रस्ट को बनाने के लिए, एक एजुकेशन ट्रस्ट बनाने के लिए। उनकी डेथ के बाद जो ट्रस्ट बना, उन्होंने 1910 में लाहौर में इसी नाम से कॉलेज इस्टेब्लिश किया, एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की। आज भी वहाँ पे बताया जाता है कि वो कॉलेज लाइब्रेरी चल रहे हैं। ट्रस्ट के लोग जब कंट्री का पार्टीशन हुआ 1947 में, वो इस तरफ आ गए एंड दे फेल्ट कि हमें यहाँ पर भी उसी नाम से उस लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहिए जो उनका विजन था कि ट्रूली सेकुलर कॉलेज होना चाहिए। तो उन्होंने करनाल में और दिल्ली में कॉलेज इस्टेब्लिश किए। तो शुरू में ये कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर चलता रहा दिल्ली के अंदर, लेकिन 1959 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आ गया और अभी जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, ये बिल्डिंग 1961 में सर शोभा सिंह, जो लुटियन दिल्ली के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, उन्होंने ही इस बिल्डिंग को, आर्किटेक्ट थे वो इस बिल्डिंग के लिए। 1978 में ट्रस्ट ने ये कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर कर दिया था। सिंस देन इट इज़ ए 100% UGC फंडेड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंस्टीट्यूशन। सर, तो ये जो विजन था उनका सेक्युलर एजुकेशन फॉर ऑल, ये किस तरह से आज फलीभूत हो रहा है, किस तरह से बहुत सारे बच्चों को ये पढ़ाई मिल रही है? क्योंकि मैंने सुना कि 5000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, इस समय हमारे 5500 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, स्प्रेड ओवर 22 कोर्सेज कवरिंग आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिकल साइंस। तो उसमें ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के 2 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, MSc मैथमेटिक्स और MA इंग्लिश। मोर देन 50% स्टूडेंट आउटसाइड दिल्ली के बच्चे हैं और फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं कॉलेज के अंदर जो पढ़ रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी अच्छे खासा नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलेज को। सर, मैंने ये भी सुना है कि ओपन लर्निंग के एवेन्यू से भी ये कॉलेज जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली, हमारा संडे को यहाँ पे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है और इग्नू का भी सेंटर है यहाँ पर, उसकी क्लासेस होती हैं। क्लोज टू 2000 स्टूडेंट्स संडे को यहाँ कैंपस पे होते हैं। सर, अब बात करते हैं एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक की, जो कि आजकल के यूथ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू बन गया है, क्लाइमेट चेंज। और कॉलेज इसके लिए काफ़ी कुछ कर रहा है, क्योंकि मैंने बाहर नोटिस बोर्ड्स पर बहुत अच्छी अच्छी आर्ट देखी है। और किस तरह से ये सब हो रहा है, यहाँ बच्चे किस तरह से जुड़ रहे हैं इन सब इनिशिएटिव्स में? स्टूडेंट यहाँ पर अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेने के लिए आते हैं और हमारा प्राइम फोकस वही रहता है कि वो अपनी डिग्री लें और आगे अपनी लाइवलीहुड के लिए आगे बढ़ें। लेकिन एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एज लीडर्स इन एजुकेशन, हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए और सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल बने कि उनको क्लाइमेट को टेक केयर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉलेज में जहाँ ग्रीन क्लीन कैंपस का एफर्ट किया जाता है, उसके लिए कॉलेज को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड्स भी मिले हुए हैं और उसी के साथ कॉलेज के अंदर कुछ स्पेसिफिक एफर्ट्स, स्टेप्स लिए गए। उनमें फोरमोस्ट था, हमने 100 किलोवाट सोलर पावर पैनल रूफ टॉप पर लगाया जो कि ग्रिड कनेक्टेड है। वो हमारे पास एक 10 किलोलीटर डेली कैपेसिटी का
एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कॉलेज के अंदर चल रहा है, जिससे हम लैब्स के एफ्लुएंट को ट्रीट करके साफ पानी बनाते हैं और वो पानी हम अपने लॉन्स में, गार्डन में यूज़ कर रहे हैं और प्लांट्स के ऊपर किसी किस्म का कोई इल इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। हमने कंपोस्टिंग यूनिट लगाए हैं कैंटीन वेस्ट के लिए और गार्डन वेस्ट के लिए, तो वहाँ से जो मैन्योर बनता है वो कॉलेज के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर स्मोक फ्री, ड्रग फ्री, प्लास्टिक फ्री का एफर्ट हमेशा चलता रहता है। और एक जितना हमारा पेपर है कॉलेज के अंदर, उसकी हम सेकेंड साइड को भी यूज़ करने की पूरी कोशिश करते हैं टैपिंग वर्क के अंदर। और जब एक बार वो पेपर का यूज़ नहीं रहता है, उसको हम रिसाइकिलिंग के लिए भेजते हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि कॉलेज को ग्रीन क्लीन रखने में, प्लस इम्पॉर्टेंट ये है कि सोसाइटी में मैसेज जाए और बच्चे अपने घरों में उस चीज़ को रेप्लिकेट करें, तो इस सोच से ये एफर्ट की गई है। सर, अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक बोर्ड है जिसमें रिसर्च के बारे में, काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं, रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ ऑप्शंस के बारे में बताइए। आपने इसको बहुत प्लस पॉइंट लेके कहा और मेरी पर्सनल इसमें सोच ये थी कि जहाँ हमारे पास ओवर 250 फैकल्टी मेंबर्स इस समय कॉलेज के अंदर हैं, कि ये बोर्ड जो है बहुत बहुत बड़ा बोर्ड होना चाहिए और इस रूम की सारी दीवार कवर होनी चाहिए कि ज़्यादा टीचर्स फैकल्टी जो है वो रिसर्च में इन्वॉल्व हो। लेकिन फिर भी एक खुशी की बात है कि कुछ टीचर्स हमारे हैं जो फॉर ईयर्स टुगेदर रिसर्च में इन्वॉल्व हैं और वो आउटसाइड एजेंसी से फंडिंग ले रहे हैं, जिसमें UGC भी है, DST भी है, ICR भी है, ICSSR भी है। तो उसमें साइंस में, सोशल साइंस में लगभग डिफरेंट एरियाज़ के अंदर टीचर रिसर्च कर रहे हैं और वो ईयर्स टुगेदर वो रिसर्च हो रही है और अच्छा आउटकम है। कुछ टीचर्स ने पेटेंट्स भी लिए हैं अपनी रिसर्च के बेसिस के ऊपर। और एक सबसे बड़ा पॉइंट जो वो ये है कि हमारे कॉलेज के अंदर कुछ टीचर्स जो हैं वो PhD स्टूडेंट्स को भी गाइड कर रहे हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी बच्चे रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। अभी तक 25 स्टूडेंट्स को हमारे टीचर्स PhD कॉलेज के अंदर करवा चुके हैं और 30 करंट स्टूडेंट्स अभी एनरोल्ड हैं डिफरेंट टीचर्स के साथ जो कि PhD के लिए अपना काम कर रहे हैं। सर, अब बात करते हैं आपके पर्सनल ओपिनियन की, आपके उन प्राउड मोमेंट्स की जो जब से आप कॉलेज से जुड़े हैं तब से आपने काफ़ी कुछ यहाँ पर होते हुए देखा होगा, बच्चों को अचीव करते हुए देखा होगा, तो आपके हिसाब से ऐसे प्राउड मोमेंट कॉलेज के लिए डेफिनेटली जहाँ उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस रहती है या जो बच्चे हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर स्पोर्ट्स में, आर्ट एंड कल्चर में अच्छा करते हैं या प्लेसमेंट सेल्स के थ्रू अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स पा लेते हैं या वो इंटर्नशिप्स के लिए कहीं अच्छी कंपनीज में जाते हैं, वो डेफिनेटली या आर्ट एंड कल्चर में डिफरेंट जगह पे जाके पार्टिसिपेट करके विन करके आते हैं, वो प्राउड मोमेंट्स डेफिनेटली रहती हैं। लेकिन कुछ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि 2017 में UGC की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको NAC बोलते हैं, उन्होंने कॉलेज का असेसमेंट किया और कॉलेज को ए ग्रेड दिया। उसी साल में HRD मिनिस्ट्री के थ्रू, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क या NIRF रैंकिंग कहा जाता है, उसमें दयाल सिंह कॉलेज को कॉलेज कैटेगरी में ऑल इंडिया बेसिस पे 8वीं पोजीशन मिली। उसके अंदर टीचिंग लर्निंग जो एक पैरामीटर है उसमें दयाल सिंह कॉलेज नंबर 1 में था ऑल ओवर द कंट्री। सब्सिक्वेंट ईयर में हम 25th पोजीशन पर आए, उससे नेक्स्ट ईयर हमने रिकवर करके 20th पोजीशन हासिल की। इस साल की रैंकिंग का भी रिजल्ट आना है। अब एक मैसेज हमारे यंग लर्नर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कॉलेजेस के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, कि किस तरह से आजकल की पढ़ाई से और इस प्रेशर से डील किया जाए और किस तरह से कीप अप किया जाए। देखिए, जो भी बच्चे स्कूलिंग अपनी कंप्लीट कर रहे हैं उनमें मेरी राय में उनको बहुत सोच समझ से पीयर प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। डेफिनेटली टीचर्स एल्डर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ बात करके उनको एक डायरेक्शन मिलती है, लेकिन वो अपनी सोच बनाएं। अगर उनको हायर स्टडीज़ में आके एकेडमिक्स में रहना है, रिसर्च में जाना है, वो ज़रूर हायर एजुकेशन में आए, लेकिन हमें आज की डेट में कंट्री में स्किल बेस्ड कोर्सेज के थ्रू स्किल ओरिएंटेड बच्चों की और ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़्यादा नीड है। जो बच्चे डेफिनेटली एकेडमिक्स में आना चाहते हैं वो सीरियस होके आएँ और ये 3 साल जो कॉलेज के अंदर वो बिताते हैं इसको बहुत बहुत सीरियसली लें, इस टाइम को वेस्ट ना करें ताकि आने वाला समय उनके लिए और अच्छा स्ट्रांग होके उनके फेवर के लिए और नेशन बिल्डिंग में वो कंट्रीब्यूट कर सके, वो उनका गोल रहना चाहिए। सर, आई एम फिल्ड विद जॉय, आपने इतना अच्छा मैसेज हमारे व्यूवर्स को दिया है और अब मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा इस इंफॉर्मेशन के लिए और इतनी अच्छी बातों के लिए। एंड नाउ आई वुड लाइक यू टू कम विद मी
मेरे साथ चलिए यहाँ की फैकल्टी से मिलने, ताकि हम जान सके कि यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, देखना है कि स्टूडेंट्स भी क्या कर रहे हैं। आइए चलते हैं। Placement cell of Dayal Singh College is basically a collaborative team of students and college authorities that work towards student welfare. We invite companies from various fields and profiles like marketing, finance, human resource and content writing. Every year around 30 to 35 companies visit our campus, which ensure 200 plus placements in every session. We have major companies which come to our campus for recruitment. We have internship also that we provide to our students. I am heading a body in the college which is called Internal Quality Assurance Cell. The body is a body which is related to the University Grants Commission, and it is a body which has been constituted by National Accreditation Council, NAC, which we all know as NAC. And as a director of this NAC body, IQAC, we conduct various programs in the college. The main objective of the cell is to do the quality improvement of higher education in the institute. And under this body, we conduct various programs for the benefit or for the upgradation or quality improvement of administration, students, faculty members, and overall administration and overall governance of the college. मैं आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारे दयाल सिंह कॉलेज में आर्ट एंड कल्चर की बहुत एक्टिव सोसाइटी है, और हम इसको बहुत स्ट्रेस भी देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, और इसके लिए हम लोग उनको फैसिलिटीज़, फ़ंड और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट एंड कल्चर के, बहुत ही हाईली टैलेंटेड, कल्चर्ड और रिस्पेक्टफुल हैं, और न केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पर आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, पिलानी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। मैं प्राणी विज्ञान विभाग से मैं शिक्षण का कार्य करता हूँ। इसके अलावा, निर्धारित शिक्षण कार्य के अलावा, हम बच्चों को फील्ड ट्रायल, फील्ड एक्सपेरिमेंट जैसी चीज़ें कराते हैं, जिसमें कि आसपास में अवेलेबल संसाधनों से इजी तरीके से अपने आसपास के पर्यावरण को, जीवों के बारे में सीखने की कोशिश की जाती है। एक उदाहरण के तौर पर, आमतौर पर लैब्स में बच्चों को ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ाया जाता है, और जिसके लिए हमें शायद एक सोफिस्टिकेटेड कल्चर वायल या इस तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और इस तरह की लैबों में रखा जाता है। हमने बच्चों को शायद उससे आसान तरीके से कुछ ट्रायल्स किए, जिससे बच्चे अपने आप अपने कॉलेज का फौना, अपने कॉलेज की ड्रोसोफिला को कलेक्ट किया, उनके बिहेवियर को स्टडी किया, तो उनके लिए इसको पढ़ना सीखना आसान हो गया है। बॉक्सिंग के अंदर हम पिछले 14-15 साल से चैंपियन रहे हैं, और इस साल हम रनर अप रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास सारी मेजर स्पोर्ट्स हैं, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस। और एथलेटिक्स में इस साल हमने बहुत अच्छे 4 मेडल जीते हैं, जिसमें हमारे पास 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आया है। इसके अलावा हम टेबल टेनिस को भी बहुत प्रमोट करते हैं। मार्शल आर्ट के बच्चे हमारे पास आते हैं, जूडो वगैरह के, उनको भी हम इंटर कॉलेज वगैरह के लिए भेजते हैं। एक हमारे यहाँ की गर्ल जो अब पास आउट है, यहाँ से जा चुकी है, वो इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गई है बॉक्सिंग की। तो हमारे पास बॉक्सिंग के अलावा वुमेन की टीम्स में हमारे पास बास्केटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, जिसके अंदर बच्चों ने इस साल इंटर कॉलेज में बहुत अच्छा करके दिखाया है। दयाल सिंह कॉलेज की NSS यूनिट बहुत ही एक्टिव यूनिट है, जिसमें करीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट एक्टिव वॉलंटियर की तरह काम करते हैं। हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, जिसमें हम बहुत तरह की एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द ईयर्स करते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, स्वच्छता पखवाड़ा हुआ, राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इन सभी एक्टिविटीज़ के चलते हुए हमारी यूनिट अलग अलग तरह के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के लोगों को जागरूक करती है, विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हों, चाहे सामाजिक उत्थान या डेवलपमेंट से रिलेटेड हों। और इसके अलावा कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम बच्चों को कम्युनिटी सर्विस के थ्रू प्रमोट करते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे NGOs में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पर्यावरण रिलेटेड और सोशल एक्टिविटीज़ और डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। वी एट दयाल सिंह कॉलेज हैव एन ऑब्जेक्टिव टू इग्नाइट पैशन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट दे परस्यू एक्सीलेंस इन वेरियस फील्ड्स। इन दिस रिगार्ड
We carry out various student-related academic activities and also give them research exposure. Many scientific seminars are the main objectives we carry out every year. This year too, just 2 days back, we had an international seminar where we have given them an exposure to pursue and explore chemistry on computers with quantum mechanics in its inherent DNA. We also provide summer internship programs where students learn a lot. NCC motivates students, young Indians, to join the armed forces. But what I think, NCC go beyond this. Not only motivates, NCC trains the young Indians to develop a character, attributes to all the essential attributes like unity, discipline, courage, despite of all kinds of profession in which they will go further in future. Regarding the institution, it may be any institution. What institution is to do, they are to provide the conducive environment where this motivation or the training can take place. We've been operating NCC Girls for 9 years now, and how well we are doing in this is that right now we have an enrollment of around 150 students, including those from the open school, and our girls have participated in the youth exchange program to Russia. We have also participated in national level camps to Darjeeling, to Himachal Pradesh, to Agra, and not just participated but also won several competitions. Our girls are also walking the Rajpath on the prestigious Day of Republic Parade, and even on the 15th of August, the CM's Rally Day. ख्वाहिशों को पंख लग जाते हैं जब लाइफ में आर्ट मिल जाती है, और जब हमारा देश इतना रंगीन हो इन पंखों की तरह, तो क्यों ना उस रंगीनी का मजा लिया जाए। तो इस कॉलेज में अब मैं आपको एंजॉय करवाने वाला हूँ आर्ट इन द फॉर्म ऑफ डांस, म्यूजिक, ड्रामा, मस्ती और बहुत सारी चीज़ें जो हम करने वाले हैं। आपको ऑलरेडी शोर सुनाई देने लग गया होगा, और मेरे से तो और इंतज़ार नहीं किया जाता है। लेट्स फाइंड आउट कि हो क्या रहा है।
कैंपस से देखने वालों को पता ही होगा कि हमारी कोई भी कैंपस विजिट कंप्लीट नहीं होती जब तक कि हम यहाँ के स्टूडेंट्स से बात ना कर लें। तो दयाल सिंह कॉलेज के स्टूडेंट से बात करने का समय आ गया, क्योंकि हमने डांस, ड्रामा और म्यूजिक सब कुछ देख लिया है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ देख ली हैं। अब उन एक्टिविटीज़ के हेड से मिलने का समय आ गया। आई एम फ्रॉम अस्तित्व। हमारी सोसाइटी अराउंड 10-12 साल से चल रही है और लास्ट ईयर हमारी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। हम लोग ओल्ड वर्ल्ड थिएटर, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस थिएटर कॉम्पिटिशन माना जाता है, हम उसमें सिलेक्ट हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके एक साल पहले साहित्य कला परिषद, जो बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन है, हम उसमें भी सिलेक्ट हो चुके हैं। हाय, आई एम सोनल एंड आई एम फ्रॉम क्रिएटिव राइटिंग सोसाइटी। तो इस सोसाइटी में वी एंटरटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। हमारे पास स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वी हैव पोएट्स एज वेल एंड प्रोज राइटर्स। लेखन करके हमें ऐसा लगता है कि जैसे वी आर कनेक्टेड टू आर्ट एंड वी इंजॉय इट इन इट्स ट्रू एसेंस। Hi, I'm Kajal and from Jamini, the Fine Arts Society of Dayal Singh College. We people are artists and we are of all kind. We are sketchers and we paint and we make things, we do craft, and we all belong to different courses. But whenever it is about art, we all go as team. Hi, I'm Namit from the Debating Society of Dayal Singh College. So we are a group of 40 and 45 people and we love debating, we love arguing, we love fighting with words. We talk about and discuss about everything from art and culture to literature to feminism to nationalism and all that. I am Adarsh Pathak from NSS unit of Dayal Singh College. NSS comes under the Ministry of Youth Affairs and Sports. NSS bahut sari events karata hai, which aims at social welfare of people. We work for the awareness कैंपेन्स, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स। रिसेंटली फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ है, उसके अंडर भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। दिस इज श्रेय फ्रॉम द क्विज सोसाइटी। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर सोसाइटीज इंसेप्शन। सो एज द नेम सजेस्ट, वी आर क्विजर्स एंड इट इज़ मोर देन जस्ट सीकिंग नॉलेज, इट इज़ मोर अबाउट हैविंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट थिंग्स एंड रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एंड बीइंग मोर क्वेश्चनेबल अबाउट थिंग्स, क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। चहन, myself senior under officer Ashutosh from NCC Vandyal Singh Company. So basically NCC में college level पर हम लोग cadets को train करते हैं physically, mentally, so that उनको develop करा जा सके। Recently हमारे college से एक cadet junior under officer Akhil, he marched on Rajpath during RDC camp. My name is Shreshth. This year I am leading the Western Music Society of the college. The motto of the society is to promote and learn. The motto is to promote Western music, and by learning it, because we are of course learners, we are new to this, we participate in competitions at different colleges. My name is Ramanuj Rai aur main Indian Music Society Root se hu aur hamare 34 members hain, jinme se 5 instrumentalist hain, baki vocalist hain. Hamara main focus hai ki raag based composition ko aage badhana aur Indian classical music ko aage badhana, Hindustani music jise kehte hain. My name is Aditya Gupta and I am student coordinator of Speak Make from Dayal Singh College. Our college is an active promoter of Speak Make events and its objectives. We try to arrange Speak Make events of different art forms. Jai Hind, myself cadet captain Kaushal Bagheel. In the naval unit we trained the cadet about some the naval terminologies like boat pulling, ship molding and lots of the events. We create a new personality of an student to become a great person in their life. तो सीरियस बातों का समय हो गया ख़त्म और अब थोड़ी सी मस्ती करने का टाइम आ गया, क्योंकि स्टूडेंट कॉर्नर में अगर थोड़ी सी चिट चैट नहीं हो, थोड़ा सा फ़न नहीं हो, तो यार मज़ा नहीं आता है। और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज के, तो यार लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत हो तो सारा काम आसान है। लाइफ में हिम्मत करना चाहिए, मुसीबतों में हिम्मत से काम लेना चाहिए। मॉम डैड, बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड्स, खुद से, जो हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। हेट को तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, कोई दोस्त दुश्मन हो या फिर, तो उसको हेट नहीं कहेंगे, या मन से हेट हो वही हेट होता है। स्ट्रेंजर, जलस करने वालों से, नो वन, किसी से नहीं। 100% जीरो, अटेंडेंस जीरो, लास्ट मोमेंट पे। फियर, माई प्रिपरेशन इज एग्जाम फॉर वेरी वेल। एग्जाम्स दुनिया का सबसे बड़ा डर। परसेंटेज, एग्जाम नजदीक आके तो दिल में कुछ होता है। एग्जाम के टाइम मजा आता है। टाइम टू टेस्ट व्हाट यू हैव डन इन योर लेजर टाइम। डर के आगे जीत है, राइट। पढ़ाई, क्योंकि मुझे एग्जाम से डर नहीं लग रहा। फेल होने से डर तो अभी एग्जाम्स का ही है और प्रैक्टिकल्स का भी। डर का रास्ता बस पार करना है। रिमेंबर फॉरएवर, दोस्ती एक प्रीशियस थिंग है लाइफ में। स्पोर्ट्स आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ।
हम सबको स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स ही जिंदगी है। इट इज नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। स्पोर्ट में बहुत मजा आता है, गुड फॉर हेल्थ। पागल है, बदतमीज, बच्चा है। जेनिफर विंजेट, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, दिशा पाटनी, विल स्मिथ, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, एंजेलिना जॉली। कॉलेज मतलब मौज मस्ती, ढेर सारे फ्रेंड्स, दैट इज दोस्ती, फ्रेंडशिप, रूट्स। फेवरेट टीचर, इट्स हर नेम इज मीनल सांबोर। मैगी पॉइंट, कैंटीन, जिसकी क्लास लियो, फाइनेंशियल अकाउंट, बॉटनी, बीएससी मैथ्स ऑनर्स, कैलकुलस। फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज रोज जीते हैं, खुल के जियो, मस्ती में जियो, अपने आप को हमेशा खुश रखो। रसायन विज्ञान, हम तो छह मिस्त्री बोलते हैं। आई एंजॉय विद माई फैमिली, स्पेंड टाइम्स टुगेदर विद माई फैमिली। मौज मस्ती, फैमिली के साथ मजे करना, गर्लफ्रेंड के साथ मजे, टाइम पास, लेट नाइट चैट, गेटिंग टेंशन अबाउट द सोसाइटी एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। यूजुअली हैपेंस, आई लेफ्ट इंजीनियरिंग, मिस्टेक, लव। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के कई सारे कोर्सेज के साथ, एनसीसी, एनएसएस, आर्ट्स और कल्चरल सोसाइटीज़ के साथ और बहुत सारी डिपार्टमेंटल सोसाइटीज़ के साथ, दयाल सिंह कॉलेज हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपको हमारे एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कि एक कैंपस कैसा लगा, कैंपस से dd@gmail.com पर अपने मैसेजेस, कॉमेंट्स और फीडबैक्स हमें भेज करके। और अगर आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे फ़न आइडियाज़ आ रहे हैं कि स्टूडेंट से क्या सवाल पूछे जाएँ, तो वो भी आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे थर्सडे को 6 बजे डीडी नेशनल पर एक और नए कैंपस से। मैं हूं आपका दोस्त रक्षित थपलियाल, साइनिंग ऑफ राइट नाउ फ्रॉम दयाल सिंह कॉलेज।